नहीं है कि मासूम बच्चों से उनकी माँ छीन ले वो नहीं मर सकती वो जरूर वापस आएगी कानून कहता है कि जब तक किसी इंसान की लाश मिल नहीं जाती तब तक उसे मुर्दा नहीं करार दिया जा सकता अब मेरी इस उजड़ी हुई जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, क्या मैं आपके सवाल का जवाब बन सकती हूँ सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ लगता है बस पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक दोस्त के नाते जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म खुदगर्ज की सफलता के बाद राकेश रोशन ने अपने दूसरे फिल्म में उनके दो जिगरी दोस्त जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करने का फैसला किया अंग्रेजी फिल्म रिटर्न टू ईडेन से प्रेरित होकर जब राकेश रोशन ने फिल्म खून भरी मांग की निर्माण शुरू की तो उन्होंने जितेंद्र को रेखा की पति विक्रम सक्सेना और शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म में रेखा को नए जिंदगी देने वाला और उनके शुभचिंतक का किरदार जेडी की भूमिका निभाने की पेशकश की उस समय जितेंद्र और शत्रुघ्न दोनों ही नायिका केंद्रित फिल्म में छोटी भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे लेकिन जितेंद्र उन दिनों बहुत व्यस्त थे और उनके पास स्पेशल अपेयरेंस की भूमिका के लिए कोई तारीख नहीं थी फिल्म को जारी रखने के लिए तब राकेश रोशन ने खुद विक्रम सक्सेना की भूमिका निभाने का फैसला किया राकेश रोशन ने तिरुपति के मंदिर में मन्नत मांगे थे कि अगर खुदगर्ज सफल होगी तो वह अपना सिर तिरुपति में मुंडवाएंगे। खुदगर्ज के सफलता के बाद राकेश रोशन खून भरी मांग की शूटिंग शुरू करने ही वाले थे तब उनके पत्नी पिंकी रोशन ने उन्हें यह मन्नत का याद दिलाया राकेश रोशन ने शूटिंग शुरू करने से पहले तिरुपति मंदिर में अपना सिर मुंडवाए उस दिन से लेकर आज तक उनका यही लुक उनके ट्रेडमार्क के रूप में लोकप्रिय हो गया है फिल्म के रीमेक की खबरें 2014-2015 के आसपास सुनने को मिली थी रेखा की भूमिका निभाने के लिए दीपिका पाडुकन और सोनाक्षी सिन्हा की दिलचस्पी भी थी लेकिन राकेश रोशन ने 2017 में यह साफ कर दिया कि उन्होंने फिल्म खून भरी मांग की रीमेक का राइट्स या अधिकार किसी को नहीं दिया मैं उनकी एक एक गुना की सजा देकर ही रहूंगी इस फिल्म में देखा घोड़े पर सवारी किए घोड़े पे सवार होके पहली बार उन्होंने किसी फिल्म में एक्शन किए यही सुनने को आता है रेखा ने फिल्म खून भरी मांग में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड जीता और एक्ट्रेस सोनू वालिया ने सहायक भूमिका में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता बतौर एक्ट्रेस सोनू वालिया की ये पहली फिल्म थी सुनने में आता है कि फिल्म के मुख्य खलनायक कबीर बेदी इस फिल्म के मेकिंग के दौरान सोनू वाली के साथ अफेयर में जुड़ गए थे दीपक पराशर को पहले कबीर बेदी की भूमिका के लिए सोचा गया था लेकिन रेखा ने राकेश रोशन को कबीर बेदी का नाम सुझाया लेकिन संशय यह था कि कबीर बेदी सिर्फ एक फिल्म के लिए भारत वापस आएंगे या नहीं हैरानी की बात थी कि कबीर मान गए थे कबीर बेदी उस समय बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे थे नाइनटीन के दशक में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया उनकी आखिरी उल्लेखनीय फिल्म विजय आनंद के निर्देशन में नवकेतन के बैनर तले बुलेट थी जो 1976 में रिलीज हुई थी राकेश रोशन और कबीर बदी ने बुलेट में साथ काम किया फिर लगभग 10 साल बाद राकेश रोशन ने कबीर बेदी को अपनी नई फिल्म पर काम करने के लिए कॉल किए और कबीर बेदी खून भरी मांग के लिए भारत काम करने को आए और बाद में कुछ और फिल्में साइन की और तब से वो स्थायी रूप से इंडिया में सेटल हो गए आज कबीर वेदी राकेश रोशन के वजह से ही इंडिया में है राकेश रोशन ने कबीर वेदी से फ़ोन पर बात की और उन्हें फिल्म का संक्षिप्त विवरण दिया कबीर वेदी सहमत होने से पहले उन्हें एक प्रॉपर स्क्रिप्ट भेजने का अनुरोध राकेश रोशन से किया जब कबीर बेदी ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से इसे पहले रिफ्यूज़ कर दिया कबीर बेदी राकेश रोशन से फ़ोन पर संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त वो हवाई आइलैंड में थे कबीर बेदी मैग्नम पीआई नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ एक बड़ी प्राकृतिक वाण या नेचुरल कॉलोमेटिव चल रहा था कबीर बेदी ने सबसे पहले राकेश रोशन को एक टेलीग्राम भेजने का फ़ैसला किया जब कबीर बेदी आखिरकार कैसे भी करके घर लौटने में कामयाब हुए तो उन्होंने राकेश रोशन को फ़ोन किया और कहा कि उन्हें इस स्क्रिप्ट में कुछ दिक्कत है बातचीत के बाद राकेश रोशन ने कबीर बेदी के सुझाव को एक्सेप्ट किए और स्क्रिप्ट में कुछ जगह बदलाव या चेंज करने के लिए तैयार हो गए लेकिन कबीर बेदी के बाकी सुझाव से राकेश रोशन सहमत नहीं थे और वो कुछ अन्य बदलाव स्क्रिप्ट पर नहीं करना चाहते थे कबीर बेदी ने बाद में राकेश रोशन के फिल्म के प्रति जुनून और रवैयों को समझा और इस फिल्म में साइन करने के लिए फैसला किए लेकिन उन्होंने शर्त के रूप में राकेश रोशन को तीन महीने के अंदर खून भरी मांग को खत्म करने को कहा राकेश रोशन पहले अनीता राज को वालिया के किरदार के रूप में चाहते थे लेकिन अनीता राज नेगेटिव रोल नहीं करना चाहती थी एडिटर संजय वर्मा ने इस फिल्म के दौरान बतौर फिल्म एडिटर या संपादक के रूप में अपने शुरुआत किए और संयोग से इस फिल्म के मेन विलेन कबीर बेदी का नाम भी संजय वर्मा ही था अगर हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो हम आरती की करोड़ों की जायदाद के मालिक बन जाएंगे कि किसी कोने में इतनी भी जगह हो जहां मेरी श्रद्धा बच सके तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा हमारा मन कहता है कि संजय बाबू अच्छे इंसान है सोनू वालिया के साथ एक गाने और डांस के सीक्वेंस के शूटिंग के बाद रेखा उस सीक्वेंस के कुछ हिस्से को फिर से शूट करना चाहती थी लेकिन राकेश रोशन राजी नहीं हुए जब फिल्म रिलीज हुई तो आलोचकों ने रेखा की प्रदर्शन की प्रशंसा तो की लेकिन गीत और नृत्य विभाजन के संदर्भ में उन्होंने रेखा की पूर्ण शरीर की छवि पर नकारात्मक या नेगेटिव टिप्पणी की सोनू वालिया को आलोचकों के विचार में अधिक लचीले और संस्वस लगा खून भरी मांग अगस्त 1988 में रिलीज हुई थी कबीर बेदी ने हिंदी फिल्म में खून भरी मांग के साथ अपनी वापसी की और ये बहुत ही कामयाब फिल्म रही एज पर कॉमर्शियल एस्पेक्ट इस फिल्म के बाद राकेश रोशन और कबीर बेदी ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया मराठी फिल्म भरा मालवत रखना खून भेरी मांग से प्रेरित थी इसके लिए राकेश रोशन ने एक लीगल नोटिस भी जारी किया था लेकिन वर्ला मालवत रखना फिल्म के निर्देशक अनूप जगदाले ने जवाब दिया कि यह फिल्म खून भरी मांग से प्रेरित नहीं है और उसका रीमेक भी नहीं है फिल्मांकन के दौरान रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दूसरे से बात नहीं की उनका पूर्व मतभेद था कबीर बेदी ने उनके बीच बात को ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे उस दौरान राकेश रोशन ने एक नवोदित फिल्म निर्माता के रूप में जल्द ही कुछ अच्छे फिल्म की एक श्रृंखला बनाए थे इनमें 1987 में खुदगर्ज 1988 में खून भरी मांग 1989 में काला बाजार और 1990 में किशन कन्हैया शामिल है